जी, तो गाइज मेरे साथ माज मौजूद हैं, मुझे यहाँ मिले हैं और इन्होंने इनसे मेरी बात हो रही थी। इन्होंने भी स्विफ्ट बुक करवाई है। इनसे पूछते हैं इन्होंने कौन सा वेरिएंट बुक करवाया, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ। जी माज, यार मैंने जी एल एक्स ऑटो बुक करवाई है, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। जी एल एस सी वी टी है ना, जो जी एल एक्स ऑटो, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, ठीक है, तो वो बुक करवाई है। और बुक करवाने की वजह ये कि इसमें जो फीचर्स दे रहे हैं ना टॉप ऑफ द लाइन के अंदर, क्रूज कंट्रोल दे रहे हैं, फिर ऑटो रिटायरमेंट मिरर्स हैं, फिर स्टेपनी दे रहे हैं साथ के अंदर, फिर आपके पास ये क्लाइमेट कंट्रोल है, तो ये चीज़ें जो है ना ये काफी। और एक मेन चीज़ आप भूल गए, जो बहुत बड़ी, जो बहुत सरप्राइजिंगली बहुत बड़ा जो है ना, शेयर बैग्स, शेयर बैग्स जो है ना, के हिसाब से ये उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल एक वजह है जो हमने बुक करवाई गाड़ी। ओके, तो वैसे आपको जो इसका मिडल वाला वेरियंट है वो कैसा लगा, प्राइसिंग के हवाले से कैसी है गाड़ी? यार बेसिकली गाड़ी ली ही प्राइस की वजह से, अगर ये 1-2 लाख रुपये और महंगी होती ना तो मैं छोड़ देता, लेकिन ये प्राइस के हिसाब से 29 की पड़ रही है जेरेक्स ऑटो, तो इस हिसाब से फिर फीचर सारे ना उन्होंने वैलिड कर दिए, तो प्राइसिंग जो हिसाब से बिल्कुल सही गाड़ी है ये इन माय ओपिनियन। ओके, इसके जो राइवल्स की बात करें तो इसके राइवल्स में आपको सेडान्स मिल जाती हैं। हाँ यार, ठीक है, बिल्कुल ऐसा है कि बी सेगमेंट जो कॉम्पैक्ट सेडान्स है जी, तो वो मिल जाती हैं इसमें। यारिस है, ऑल्सविन है, जो उसका फुली लोडेड वेरिएंट आपको लुमियर वेरिएंट मिल जाता है इस प्राइस में। मेरे पास है घर में। अच्छा, और मैं एक और गाड़ी ढूंढ रहा था अपने लिए यूनिवर्सिटी के लिए। ओके, तो पहले मैं सोचता था कि करोला ले लूं, यारिस ले लूं, लेकिन जब इसका पता चला और फिर फीचर्स और फिर पैसे, तो मैंने कहा यार ये बेस्ट ऑप्शन है इन कम्पेयर टू अदर कार्स। ओके ओके, चलो, थैंक यू सो मच माज, कॉन्ग्रेचुलेशन। माय प्लेजर। ओके।